ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों की 1 नवंबर को पुलिस से झड़प के बाद पुलिस ने 500 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं किसान नेता सुखबीर खलीफा सहित 12 किसानों को जेल भेज दिया गया। जेल गए किसानों की रिहाई हो गई है। उसके बाद किसान नेता मुखबीर खलीफा रसूलपुर में आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जहां पर किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वहां पर किसान नेता का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल एनटीपीसी प्लांट के अधिग्रहण के लिए 1994 में 24 गांव के 2200 परिवारों से जमीन दी गई थी, जिसके बाद उस समय किसानों को एक समान मुआवजा नहीं मिला। वहीं एनटीपीसी के अधिग्रहण के समय प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही 24 गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं एनटीपीसी को करनी थी। अभी भी किसान एक समान मुआवजा व स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसे को लेकर समय समय पर किसान धरना प्रदर्शन व आंदोलन करते रहते हैं। 1 नवंबर को किसान अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस से किसानों की नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की और लाठीचार्ज कर दी।